वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम देखेंगे वो है प्रॉपर्टी ऑन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल में हमारी प्रॉपर्टी क्या है वो आपको बता देता हूँ मैं अभी। अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ और उसकी कोई भी एक साइड को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, अगर ये मेरा ट्राइंगल और मैंने इसकी ये वाली साइड को अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल होगा, अगर मैं इस एंगल को मैं ले लेता हूँ बी, तो ये इक्वल होगा सम ऑफ ए एंड सी। मतलब ये ए और सी के सम के इक्वल होगा, मतलब एंगल बी का जो मेजर होगा वो इक्वल टू होगा एंगल ए प्लस एंगल सी। ओके, प्रैक्टिस सेट 3.1 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर के अंदर हमें एसीडी जो है वो बोल रहा है, एसीडी मतलब ए सी डी, एसीडी एंगल जो है वो ट्राइंगल एबीसी का, ए बी सी ये ट्राइंगल गिवन है हमको यहां पर, और एंगल बी हमें गिवन है 40 डिग्री। एंगल बी हमें गिवन है 40 डिग्री, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि वो जो एंगल मुझे गिवन है, एंगल बी हो गया अगर मेरा 40 डिग्री, ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री है, एंगल ए इक्वल टू गिवन है मुझे 70 डिग्री, और मुझे फाइंड आउट करना है ए सी डी एंगल। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक्सटीरियर एंगल की हम लोगों ने देखी प्रॉपर्टी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल ए। तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं इसको, हमको वैल्यू गिवन है दोनों की यहाँ पे 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो 70 प्लस 40 हमको मिल जाएगा कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ओके, तो ये हमें वैल्यू मिल गई है एंगल ए सी डी की। अब हम मूव करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में देख के रखा हुआ है हमको कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर हमें एंगल पी की वैल्यू गिवन है और एंगल क्यू की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पर हमें एंगल पी और एंगल क्यू दोनों की ही वैल्यू गिवन है और हमें एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, अगर एक मेरा ट्राइंगल है इस तरह से, ट्राइंगल गिवन है मुझे यहाँ पर, ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है, ठीक है, तो ये मेरा एंगल पी क्यू और ये आर हो गया, और आपको पता ही है कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो पी की वैल्यू मुझे यहाँ पर गिवन है 70 डिग्री, क्यू की जो वैल्यू है वो है 65 डिग्री। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अब आप इसको इन दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे, ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको पता है क्या करना है हमको, यहाँ पे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल पी और एंगल क्यू की वैल्यू पुट करेंगे और एंगल आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको आगे ट्राई कीजिएगा, और हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि आप नोटबुक लेकर के बैठे होंगे और इसको साथ साथ में सॉल्व कर रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है हमें तीन एंगल गिवन है एक ट्राइंगल के और हमें मेजर करना है, एक हर एक एंगल का मेजर निकालना है। तो आपको पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपको पता है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, मतलब एक्स डिग्री प्लस एक्स माइनस 20 डिग्री प्लस एक्स माइनस 40 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना होगा, तीनों एंगल की वैल्यू निकालने, तो हम सबको ऐड करेंगे, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स मेरा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और माइनस 20 और माइनस 40 ऐड अप करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे माइनस 16, क्योंकि दोनों टर्म क्या है माइनस में, मतलब नेगेटिव है, ये 180 डिग्री हो जाएगा। अभी माइनस का जो 60 मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू 240 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 240 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो 240 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 1 is 3, 15 3 6 18 3 7 21, 3 8 24, तो मुझे क्या मिल जाएगा 80 डिग्री। तो मतलब x की वैल्यू मिल गई 80 डिग्री। आपको पता है फर्स्ट एंगल हमें कितना देके रखा था, यहाँ पे फर्स्ट एंगल क्वेश्चन के अंदर में मेंशन है हमारा है वो x डिग्री, ठीक है, तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 20, तो एक्स की वैल्यू को पता है 80 है और एक्स माइनस 20 अगर मैं करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 60 डिग्री मिल जाएगा। सिमिलर वे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड एंगल भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब क्या बोल रहा है, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स, लेट द
स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा देखिए फर्स्ट एंगल जो था, लेट द मेजर वन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इज स्मॉलेस्ट एंगल। मेरा स्मॉलेस्ट एंगल अगर एक्स है, सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, देन सेकेंड एंगल वुड बी 2x। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है इज ट्वाइस, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया 2x लिया, ठीक है, ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल था। और जो मेजर ऑफ द थर्ड एंगल है थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। अब ये क्या हो रहा है, थ्राइस हो रहा है ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल अगेन मेरा क्या है, यहाँ पे x ही है, ठीक है। तो मैं क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, देन थर्ड एंगल वुड बी मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x आ जाएगा। आपको क्या करना है, मेजर फाइंड करना है तीनों एंगल का। तो बहुत ही सिंपल, आप क्या करेंगे, x प्लस 2x प्लस 3x, अगेन यहाँ पे आपको वही लिखना है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब इसको सॉल्व करके x के लिए निकाल लेंगे, फिर x में पुट कर देंगे, 2x में पुट करेंगे तो सेकेंड एंगल की मिल जाएगी, 3x में पुट कर देंगे थर्ड एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप अभी के अभी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड, मतलब ये जो एंगल देके रखा है एक्स वाई और जेड की हमको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए वाई के अंदर में क्या, और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब फ्रॉम फिगर मैं करता हूँ, फ्रॉम फिगर तो क्या हो जाएगा, एंगल टी ई एन, एंगल टी ई एन प्लस एंगल एन ई एम, एन ई एम इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या जाएगा उसका, लीनियर पेयर। तो अभी यहाँ पे टी ई एन की हमको वैल्यू कितनी गिवन है, हमको यहाँ पे वैल्यू गिवन है उसकी 100 डिग्री, प्लस एन ई एम की वैल्यू की हमको फाइंड आउट करनी है, एन ई एम आपको पता है एन ई एम क्या है, मेरा वाई है, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं एन ई एम को क्या लिख दूंगा, यहाँ पे वाई लिख दूंगा, एंगल वाई, तो एंगल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल वाई की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पर 80 डिग्री, ओके। अब सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो ये वाला जो है ये भी एक तरह का लीनियर पेयर ही बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एंगल जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगेन, ठीक है। अगेन हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ई एम आर, एंगल ई एम आर प्लस एंगल जेड इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर से आप लिख देंगे रीजन में, लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ई एम आर की हमको वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर गिवन है 140 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो एंगल जेड इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 40 डिग्री। अब देखिए आपको वाई की वैल्यू भी मिल गई है, जेड की वैल्यू भी मिल गई है। अब अगर हमें एक्स के लिए निकालनी है तो हमारे दो तीन मेथड है, हम लोग एक्सटीरियर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, बट मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप एक्सटीरियर एंगल भी यूज़ करेंगे, चलिए हम एक्सटीरियर एंगल यूज़ कर लेते हैं। आप चाहेंगे तो ट्राइंगल का जो सम होता है वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरा 140 डिग्री, ठीक है। और y की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 80 डिग्री है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा रीजन आएगा वो रीजन हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 80 डिग्री। तो मैं यहाँ पे x प्लस 80 डिग्री कर दूंगा, 80 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 140 माइनस 80, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर 40 डिग्री, ओके। तो ये हमारा हो गया अभी फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे गिवन है कि लाइन ए बी और डी ई, मतलब लाइन ये वाली लाइन ए बी हो गई और ये वाली जो लाइन हो रही है वो डी ई हो रही है, ये दोनों की दोनों लाइन के आपस में पैरेलल हैं। और हमें मेजर फाइंड आउट करना है एंगल डी आर ई का, मतलब डी ये वाला एंगल डी आर ई, मैं आपके लिए मार्क करता हूँ, एंगल डी आर ई मतलब कौन सा हो गया, ये वाला जो एंगल बन रहा है मेरा, ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर, और ए आर ई भी फाइंड आउट करना है। ए आर ई मतलब हो गया ये वाला एंगल, देखिए ए आर ई मतलब, ए आर ई मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा जो मैंने अभी मार्क किया आपके लिए, ठीक है। तो ये दो एंगल हमें यहाँ पे क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, पहले मैं इसको सॉल्व करने पहले बता देता हूँ कि देखिए आपकी लाइन ए बी और डी ई के आपस में पैरेलल है
और एडी एक तरह से क्या जा रही है, ये एडी लाइन जो आप देख रहे हैं ये क्या एक तरह से ट्रांसवर्सल है, राइट। तो क्या हो जाएगा एंगल, ये वाला जो एंगल हो रहा है बी ए डी और मेरा एंगल ए डी ई, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहे हैं। आप एक बार सोचिए इसको थोड़ा सा कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ए बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू हो जाएगा मेरा एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई के इक्वल हो जाएगा ये। ये दोनों आपस में एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं अल्टरनेट एंगल हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एंगल ए डी ई इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 70 डिग्री, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आर डी ई, आर डी ई, आर डी ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एंगल आर, मतलब एंगल आर को मैं लिख सकता हूँ एक तरह से डी आर ई, एंगल डी आर ई प्लस एंगल आर डी ई, एंगल आर डी ई प्लस एंगल डी ई आर इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्लियर है। फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ट्राइंगल, आप कुछ भी जो रीजन होता है लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी आर ई की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट ही करनी है यहाँ पे, तो मुझे आर डी ई की वैल्यू पता है कितनी है, आर डी ई एंगल, एंगल डी आर ई, आर डी ई की वैल्यू जो हमको दी हुई है, मतलब हम लोगों ने अभी फाइंड आउट की, मतलब यही ए डी ई हो गया, ए डी ई बोलो या आर डी ई बोलो एक ही बात है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री प्लस डी ई आर, डी ई आर की वैल्यू हमारे पास में है 40 डिग्री, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम इसी को आगे सॉल्व करेंगे, तो एंगल डी आर ई प्लस हो जाएगा 70 प्लस 40 डिग्री हो जाएगा 110 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास में, एक सेकेंड, ये मेरे पास में हो जाएगा एंगल डी आर ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे डी आर ई इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है हमको डी आर ई मिल गया है, तो हमारे लिए ए आर ई फाइंड आउट करना कितना इजी है, क्योंकि ए आर ई और डी आर ई क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अभी एंगल डी आर ई प्लस एंगल ए आर ई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और रीज़न क्या आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा लीनियर पेयर, ओके। तो हमारे को पता है डी आर ई की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दैट इज 70 डिग्री प्लस एंगल ए आर ई इक्वल टू हो रहा है 180 डिग्री, तो एंगल ए आर ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ए आर ई इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री, ओके। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी सॉल्व हो गया, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमको फाइंड आउट करना है इसमें क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो पहले आपके लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि डायग्राम क्या है, क्वेश्चन क्या है मतलब। तो हमारे पास में एक ट्राइंगल गिवन है कुछ इस तरह से, एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये मेरा हो गया ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड बी जो है, मतलब ये बोल रहा है कि बाइसेक्टर अगर मेरा ये हो रहा है, एक एंगल का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर ऐसे आ रहा है और एंगल बी का बाइसेक्टर अगर ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों ऐसे आके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, पॉइंट ओ, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो मैंने इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ओ दे दिया। और एंगल सी, अगर ये वाला जो एंगल है वो मुझे गिवन है यहाँ पे 70 डिग्री, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए ओ बी, मतलब मुझे ये एंगल ए ओ बी जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करने के पहले मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊंगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री,
राइट। अब हम लोगों को एंगल सी की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्रीज। अभी हमको ये वैल्यू मिल गई, और हमको पता है यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ, इधर एंगल आपस में इक्वल है। सिमिलर वे में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या आपस में इक्वल हो रहे हैं, वो भी मैंने मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड ऑफ इक्वेशन को, किससे, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 1/2 से। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा मल्टीप्लाई, प्लस एंगल बी हो जाएगा इक्वल टू हाफ ऑफ 110 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए आपको पता है क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे एंगल ओ ए बी हो जाएगा, हाफ ऑफ ए हो जाएगा। पहले मैं उसको भी स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, हाफ ए हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 55 डिग्री मिल जाएगा। तो हाफ ऑफ एंगल ए आपको पता है क्या होगा, एंगल हो जाएगा मेरा वो ओ ए बी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी क्या हो जाएगा, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए हाफ ऑफ एंगल बी जो मेरा हो जाएगा यहाँ पे जो है वो ये वाला एंगल हो जाएगा, मतलब ये देख रहे हैं आप ए बी ओ, ठीक है, हाफ ऑफ वो एंगल बी हो जाएगा, एंगल ए बी ओ ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मेरा 55 डिग्री आ गया। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दूंगा, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल अभी हम लोग लेंगे ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है। तो ए ओ बी में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो एंगल ओ ए बी और ए बी ओ की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की थी, ये रही वो वैल्यू 55 डिग्री। तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 55 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्लियर है। तो अब यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, तो अभी एंगल ए ओ बी मुझे निकालना है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल ए ओ बी अब मैं माइनस करूंगा, तो 80 माइनस 55 करेंगे तो मैं क्या मिलेगा, यहाँ पर 125 मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अभी वही जो वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पर वो मैं लिख दूंगा 125 डिग्री। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, 8th क्वेश्चन जो हमको दे के रखे रखा हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है जिस तरह से हम लोगों ने अभी 7th क्वेश्चन किया, बट मुझे पता है आप लोगों को कई बार कन्फ्यूजन आती है, कई बार आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं ये वाला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो है हमें गिवन है कि लाइन ए बी और लाइन सी डी क्या है, पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन जो ए बी हो गई और लाइन जो सी डी यहाँ पे गिवन है, ये दोनों की दोनों लाइन के आपस में पैरेलल हो गई, और लाइन पी क्यू जो है वो मेरी ट्रांसवर्सल है, मतलब ये वाली लाइन जा रही है इस तरह से, ये पी क्यू क्या मेरी ट्रांसवर्सल है, रे पी टी और रे क्यू टी, रे पी टी और रे क्यू टी ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है, ऑफ बी पी क्यू एंड पी क्यू डी। बी पी क्यू मतलब मेरा कौन सा एंगल हो जाएगा, बी पी क्यू मतलब ये वाले एंगल को पूरा बाइसेक्ट कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, और पी क्यू डी को भी, मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल है उसको भी, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे प्रूव करना है कि पी टी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे पी टी क्यू ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, क्लियर है। तो भी आपको पता है कि एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल पी को भी मैं अगर और एलोबरेट वे में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एंगल एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी, पी क्यू डी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, किस वे में होगा, फ्रॉम एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, आपका यहाँ पे ये वाला रीजन आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से 1/2 से, या फिर डिवाइड बोलिए या फिर ये बोल दीजिए मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ साइड, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग ऑपरेशन जो अपना वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, एक सेकेंड, मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है जो हम लोग हमेशा की तरह करते हैं, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो हाफ ऑफ बी पी क्यू हो जाएगा, 1/2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हाफ ऑफ बी पी क्यू प्लस हाफ ऑफ पी क्यू डी, तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। ओके, तो अभी आपको पता है हाफ ऑफ बी पी क्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं हाफ ऑफ बी पी क्यू मतलब डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा, बी पी क्यू मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी पी क्यू हो जाएगा, हमें बाइसेक्टर गिवन है तो टी पी क्यू लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे तो आ जाएगा एंगल टी पी क्यू, और हाफ ऑफ पी क्यू डी मेरा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पी क्यू डी मतलब जो मेरा एंगल है वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पी क्यू टी, तो ये हो जाएगा पी क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हम मार्क कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल हम लोग लेंगे पी क्यू टी, पी क्यू टी मेरे ख्याल है वो समझ ही होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे लिखूंगा मैं टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल आ जाएगा पी टी क्यू, पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो यहाँ से 90 डिग्री में पुट कर दूंगा और मुझे पी टी क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 90 डिग्री मिल जाएगी, और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो अभी इसमें कुछ खास बचा नहीं है, तो आप अभी कभी इसको ट्राई कीजिए, मैंने खाली दो ही स्टेप आपके लिए छोड़ दिए हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं, जिसमें करने लायक कुछ भी नहीं है। और नाइन्थ क्वेश्चन अभी अगर हम लोग देखते हैं तो नाइन्थ क्वेश्चन में आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको यहाँ पर। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये देखिए एंगल बी और बी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। 70 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं, तो एंगल बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी और यहाँ पे जो लगेगा लीनियर पेयर लगेगा, तो आपको एंगल सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तब चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री। तो उसके थ्रू भी आप क्या निकाल लेंगे, ये एंगल ए की जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए, अगर डाउट होता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो देखे रखा हुआ हमारा है 10th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। इसमें क्या बोल रहा है कि लाइन डी ई और लाइन जी एफ जो है पैरेलल है, लाइन डी ई ये हो गई और लाइन जी एफ जो है वो ये हो गई, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, और ई जी और एफ जी जो है वो बाइसेक्टर हैं इन दोनों एंगल के। ई जी मतलब मेरा कौन सा हो गया यहाँ पर, ई जी और एफ जी जो है वो क्या आपस में एंगल के बाइसेक्टर हैं। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि डी ई जी हाफ ऑफ ई डी एफ और ई एफ इक्वल टू एफ जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट मुझे पूरा भरोसा है अगर आप ट्राई करेंगे और समझेंगे इसको एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा, उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, और मैंने आपको काफ़ी सारे लॉजिक एक्सप्लेन किए हैं, तो इसको एक बार आप आराम से सोचिए और ट्राई कीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आपको कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।